दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में लॉकडाउन 2-0-3 मई तक लगाया गया है और इसी लॉकडाउन को लेकर के बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। लेकिन देश में जिस तरह से सरकार का कामकाज है या जिस तरह से कामकाज करने की बात कही जाती है, जिस तरह से मीडिया में आकर के नेता आकर के ये कहते हैं कि हमारा काम तो बहुत ठीक है, हम बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कुछ हॉस्पिटल्स की तस्वीर। आप देखिए इन हॉस्पिटल्स में, और ये बड़े हॉस्पिटल्स की तस्वीर है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कितना रखा जा रहा है, किस तरह से इनका ट्रीटमेंट पेशेंट्स का किया जा रहा है, कैसे क्या सुविधाएं हैं, आप आगे ज़रूर देखिए। पहले मैं आपको बताता हूं कोरोना बुलेटिन के बारे में कि टोटल केसेस देश में कितने हो गए हैं। दोस्तों, जो ताज़ा अपडेट स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यानी कि अपडेट दी गई है, उसके हिसाब से 15,712 केसेस हमारे देश में अभी तक टोटल हो चुके हैं, जिसमें सक्रिय केसेस की अगर बात करें तो 12,974 यानी कि 12,974 केसेस जो है ये एक्टिव केसेस हैं। वहीं अगर बात करें ठीक होने यानी कि रिकवर्ड लोगों की, तो ये आंकड़ा 2,231 हो गया है। साथ ही साथ अगर कैजुअलिटीज़ की बात करें तो 507 जो है कैजुअलिटीज़ अभी तक हो गई हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ताज़ा आंकड़ा यानी कि आया है उसके हिसाब से। अब हम आपको दिखाते हैं उन हॉस्पिटल्स की तस्वीर जिसको आकर के नेता डिफेंड करते हैं और बताते हैं कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। वॉच करें इस वीडियो लाइव है। एम्स के पास में जो सरकारी आश्रय गृह बना हुआ है या जो यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं, उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो दिन रात गुजार रहे हैं। लेकिन ये जो सरकारी आश्रय गृह है या जो टेंट या टेम्परेरी लगे हुए हैं, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग तक मुमकिन नहीं है। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बेड्स लगाए गए हैं। हालांकि सरकार प्रशासन लगातार ये कहता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जाए, लोग घरों में रहें, ज़्यादा एक दूसरे के करीब ना आए, लेकिन यहाँ पर इन लोगों के पास में तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने तक की जगह नहीं है। बेड्स लगे हुए हैं, इनके लिए तो बस यही कम से कम एक राहत है कि कम से कम खुले आसमान के नीचे नहीं है, एक टेंट है सर के ऊपर। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बेड्स सटे सटे लगे हुए हैं। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक छत के नीचे लाया जा सके, लेकिन जिस बात का लगातार जिक्र किया जाता है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि कोरोना को हराना है तो एक निश्चित दूरी बनानी है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है, लेकिन वो होता नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, जगह कम है, और ऐसे में लोग एक दूसरे से सटे सटे बेड पड़े हुए हैं और उन्हीं पर जो है पूरा दिन रात गुजार रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग की भी एक तरीके से यहाँ पर धज्जियाँ उड़ती दिख रही हैं, जिस बात पर सरकार और प्रशासन लगातार सबसे ज़्यादा जोर दे रहा है। कैंसर का बीमारी है, वहाँ से 1.5 महीने हो गए हैं। एक बार ओपीडी हुआ, दूसरी बार फिर ओपीडी हुआ, दवा चेंज हुआ, दवा नहीं मिल रहे हैं। मेरे पास में पैसा भी कम हो गया, क्या करूं मैं, तो कुछ पैदल भी नहीं जा सकता, तो कुछ साधन भी नहीं है। दवा लेने आए थे, दवा लेने की वजह से हमारी गाड़ी का लॉकडाउन हो गया, मैं जा नहीं पाई। हमारे आदमी दवा के वजह से बीमार हैं और हम कैसे जाएं ये समझ में नहीं आ रहा है, दवा भी नहीं पहुंच रहा है। जी, यहाँ लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, इसके चलने में पीड़ी दर्द करती है, चल नहीं पा रहा है, भूख नहीं लग रही है और एकदम खून इसका सूख रहा है, प्लेट काउंट कम हो रही है, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। इमरजेंसी भी में जाते हैं, बोलते हैं कोरोना वायरस के बारे में लक्षण बोलते हैं, जांच को बोलते हैं, पुरानी जांच को कुछ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ठीक है खांसी बुखार जुकाम तो नहीं है, ठीक है जाइए, कुछ नहीं है। अभी जब तक एम्स में कोई ज़्यादा जरूरी ना हो तो मत आने का। अब लॉकडाउन में पड़े हैं साहब, जा भी नहीं सकते हैं घर पर, अब क्या करें, इसमें पैसा भी नहीं रहा है, ना दवाई हो रही है ना घर जा रहे हैं। एम्स के आसपास के इलाके में ऐसे कई आश्रय गृह और टेंट लगे हुए हैं जिसमें सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। फंसे हुए मैं इस वजह से शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ना तो अब ये घर जा सकते हैं और ना ही यहां पर रहने की कोई सुविधा है। हालत ये हो गई है कि इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो 1.5 से 2 महीने से इलाज करवाने के लिए यहां पर आए थे, लेकिन आज की तारीख में ना इलाज है और ना ही वापस जाने का कोई साधन। छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग उम्र के लोग तक, लेकिन यहाँ पर हर तरह के लोग फंसे हुए हैं और ये वो लोग हैं जिनमें से कई को गंभीर बीमारी भी है। इनके सामने संकट ये भी है कि कई लोग अपने परिवारों को अपने गांव अपने ज़िलों में छोड़ करके आए थे, अब उनके भी फ़ोन आ रहे हैं, वो भी सवाल कर रहे हैं कि कब आओगे, लेकिन इनके पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। दिन रात गुजर रहा है तो इसी आश्रय गृह में, इसी टेंट में, इसी उम्मीद के सहारे कि या तो जल्द से जल्द इलाज शुरू हो जाए, और इलाज नहीं शुरू हो रहा तो कम से कम घर जाने का कोई साधन ही मिल जाए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा इस वीडियो को, ये है हमारे देश के कोरोना ट्रीटमेंट देने वाले हॉस्पिटल्स का हाल। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं है, किस तरह से लोग वहाँ पर हैं आप खुद देख सकते हैं। ये है, काश अगर हम आज जिस तरह से हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं,
इस हिंदू और मुसलमान पर ना लड़ करके हॉस्पिटल्स के लिए, नौकरियों के लिए और जो जरूरी सुविधाएं हैं जनता के लिए, उन सारे मुद्दों को लेकर के अगर सरकार से सवाल करते तो ये दिन देखना ना पड़ता। बड़ी बड़ी मूर्तियां खड़ी करने से ऐसे हॉस्पिटल नहीं बन पाएंगे, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। दलाल मीडिया आपको पूरी तरह से इन सारी चीज़ों को सही से नहीं दिखाएगा, दिखाएगा और दिखाया है, लेकिन उस हिसाब से नहीं दिखाता जिस हिसाब से दिखाना चाहिए, क्योंकि मीडिया को सरकार की नाकामी छुपानी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मध्य प्रदेश की बात। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार किस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरी, बीजेपी की सरकार बनी, अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। एक पहला ऐसा स्टेट है जहां पर स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, आप सोचिए उस प्रदेश का हाल क्या होगा। और इसी वजह से मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना यानी कि केसेस सामने आते जा रहे हैं, और इसी से एक और दुखद खबर आ रही है जो कि हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि सरकार को सही हॉस्पिटल्स बनाने की ज़रूरत है बजाय मूर्तियों के, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, बड़े बड़े दावे, विधायक अगर अपनी पार्टी में लाना हो तो एक दिन में 10-10 विधायक को करोड़ों रुपए देकर के अपनी पार्टी में लिया जा सकता है, लेकिन जनता के लिए क्या। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, इंदौर में पदस्थ पुलिस इंस्पेक्टर श्री देवेंद्र चंद्रवंशी जो है कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से उनकी कैजुअल्टी हो गई, हमारे बीच नहीं रहे वो। सोचिए, ये है आज हमारे देश का हाल, आप यकीन नहीं मानेंगे। इसी तरह से कई ऐसे आप लोगों ने देखे होंगे हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट्स को, उनके अंदर जो है सीवी बढ़ता जा रहा है, वो इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली हमारे सिस्टम का फेलियर है जिसको हमें एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन सरकारें एक्सेप्ट नहीं कर रही इस चीज़ को, जिसकी वजह से आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा। टीवी डिबेट्स होती हैं, उसमें ये बताया जाता कि ऐसा वैसा ये वो वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें बताई जाती, आपको जो असल मुद्दे हैं उनसे भटकाया जाता है। आप देख लीजिए, इंदौर में एक और घटना हुई है, मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूँ। कल एक सफाई कर्मी के ऊपर बताया जा रहा कि एक शख्स ने जो है कुछ अटैक वगैरह किया, ये बहुत गलत है। पहली चीज़ तो जिस शख्स ने ये यानी कि घटना को अंजाम दिया, वो किसी धर्म से मैं नहीं मानता हूँ, हालांकि एक विशेष धर्म से ताल्लुक रखता है वो, लेकिन मैं कहता हूँ ये हैवान है, ये इंसान नहीं हो सकते, क्योंकि इंसान इंसान के दर्द को समझता है, और जो लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं उनको शर्म आनी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इक्वल ये चीज़ देखना ज़रूरी है, एक खबर मीडिया में चलती है बहुत ज़्यादा हाईलाइट की जाती है, दूसरी नहीं, औरंगाबाद में भी देखा होगा, बिहार में भी इसी तरह की घटना जो है देखने को मिली, वहाँ पर दूसरे धर्म के लोग थे। तो ये यहाँ पर जो मैं धर्म का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मीडिया में ये सारी चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं, इसलिए ये चीज़ बतानी पड़ रही है। तो ये हमारे देश का हाल है, हॉस्पिटल्स का देख लिया, डॉक्टर्स का ये हाल हो रहा है, सफाई कर्मियों का ये हाल हो रहा है, पुलिस इंस्पेक्टर्स जो है इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं, किसकी वजह से, कमी है बहुत सारे सिस्टम में, डॉक्टर्स को जो पीपीई चाहिए वो नहीं है, जो जरूरी ग्लव्स हैं, मास्क हैं, जो अच्छे अच्छे इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो नहीं है डॉक्टरों के पास, इसलिए ऐसा हो रहा है। मजदूर भाई फंसे हुए हैं, कौन है उनकी सुनने वाला, आपका इस पर क्या कहना, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार कटिहार से सूरत आए हैं, हम लोग मजदूर हैं। हमारे नीतीश कुमार से अनुरोध है कि हम लोगों को यहाँ से बिहार लाने की व्यवस्था की जाए। हम लोगों के पास जो भी पैसा था ख़त्म हो गया, हम लोगों के पास खाने का कोई चारा नहीं है, हम लोगों को यहाँ से किसी तरह निकलने की परमिशन दी जाए। हाँ, और किसी को कुछ शिकायत करना है? शिकायत मुझे यही करना है बिहार सरकार से, जो अभी तक हम लोग के लिए कोई सुविधा नहीं निकला है, अभी तक मीडिया के सामने भी नहीं आया है, बाहर इतना मजदूर बिहार के रहने वाले हैं, अभी तक उसने ध्यान ही नहीं डाला, क्या हम लोग उसको वोट दे के जिताए नहीं, हम लोग किस कारण से जिताए उसको कि हमारी कोई सहायता निकल सके। अगर हमारे बिहार में कोई औद्योगिक जगह होता तो क्या यहाँ हम लोग काम करने के लिए आते, हम लोग फंसने के लिए आते, कुछ आया है यहाँ पे उद्योगिक जगह है काम करने के लिए आए हैं, मजबूरी में अगर ये सब कोरोना वायरस की वजह से फंस गए हैं, तो आप इस चीज़ को हम लोग को निकालें यहाँ से, आपके ऊपर ही हम लोग का सहारा है। चलो ठीक है, नीतीश कुमार से हम प्रयास करते हैं कि ये वीडियो देखें और इस बात को ध्यान में रखते हुए सहायता की कोशिश करें। थैंक यू।